नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक मोबाइल आया है, वो ये है वन प्लस का 6 है। और फ़ोन को आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मार्केट में आजकल रिपेयरिंग में बहुत आ रहे हैं। तो कस्टमर का कहना है कि पहले इसमें कोई डंप क्रश मोड करके लिखा हुआ आ रहा था डिस्प्ले में, और अब ये इस तरीके से हैंग हो गया है। अभी वो बोल रहे हैं कि इसमें सिम नहीं चलती, कभी चल जाती हैं कभी नहीं चलती, और इस तरीके से हैंग होके रिस्टार्ट हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, हैंग हो गया, अपने आप ही रिस्टार्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में हम एक बार चेक करेंगे कि इसमें सीपीयू का ही इशू रहता है डंप क्रैश मोड में। देखते हैं इसका सीपीयू किसी ने किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, या किस तरह से इसको रिपेयर किया गया है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं ओपन करके, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम रिपेयर करेंगे और रिपेयर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कई बार इसमें रैम भी ख़राब हो जाती है दोस्तों, जब फ़ोन बहुत बार रिस्टार्ट होता है तो रैम भी हीट होने की वजह से कई बार है वो डैमेज हो जाती है, तो रैम को भी कई बार चेंज करना पड़ता है। तो हम इस मोबाइल में स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि कैसे किस प्रकार हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हमारी, और फैमिली तो काफ़ी बड़ी हो गई है दोस्तों। पिछले एक महीने में 30,000 से ज़्यादा लोगों ने हमारे चैनल के वीडियो देखे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी अभी मैंने सोचा कि ये मोबाइल आया है तो ज़रूर इसके बारे में, ये आजकल बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो आपको किसी प्रकार की गलत फहमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं बताऊं कि प्रॉपर रिपेयर कैसे करें। तो एलईडी पे लेके चलता हूं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, इसका ऑपरेशन किसी ने पहले ही किया हुआ है। ये कंप्लीट मदरबोर्ड एक बार दिखा दो यहाँ नीचे। ये देखिए, इसका ऑपरेशन किसी ने पहले ही किया हुआ है, और अभी इसका सीपीयू रिबॉल हुआ है या क्या हुआ है वो हम एक बार उसमें चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि अगर आप लोगों को दिख रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जो रैम है वो सिर्फ रिबॉल की गई है, और रैम जब रिबॉल करी जाती है तो डंप क्रश तो हट जाता है, और उसके लिए तो रैम रिबॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। आप 300 या 270 की हीट पे 15 से 20 सेकंड अगर हीट करोगे सीपीयू को तो आपका फ़ोन है वो ऑन हो जाएगा, और लेकिन दिक्कत ये आएगी उसमें, वो चलेगा बस 10-15 दिन या 5 दिन या 4 दिन। तो किसी ने इसकी रैम ओनली रिबॉल की है, तो हम आज इसका सीपीयू रिबॉल करेंगे। वो रैम रिबॉल करते टाइम क्या हुआ, सीपीयू और एक बार तो गर्म होके वो काम करने लग गया प्रॉपर, लेकिन कुछ टाइम के बाद इशू क्या आया, कुछ टाइम के बाद दोबारा से जो कस्टमर है उसकी सिम वाले जो पॉइंट हैं वो ड्राई सोल्ड हो गए, जिसकी वजह से वो सिम कभी दिखाता है कभी नहीं दिखाता। या आप लोग जानते हैं, जैसे जो बेसबैंड आईसी होती है हमारी, तो बेसबैंड आईसी में काफ़ी सारे कनेक्शन जाते हैं, और पूरे नेटवर्क सेक्शन में काफ़ी सारे कनेक्शन जाते हैं हमारे मोबाइल के सीपीयू में से। तो उनमें से कोई भी कनेक्शन अगर ड्राई सोल्ड हो गया होगा तो वो बेसबैंड नहीं बनेगा, आईएमआई शो नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में भी हमारा नेटवर्क नहीं आएगा या सिम शो नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सिम वाले 6 पॉइंट अगर नहीं दिखेंगे तो ही ऐसा नहीं होगा। तो ये हमने स्टैंड में इसको लगा लिया है, और स्टैंड में लगाने के बाद हम ध्यान रखेंगे एक चीज़ का कि ये जो इसका बटन है इसके ऊपर हम सिल्वर टेप ज़रूर लगाएंगे। अगर सिल्वर टेप इसके ऊपर हम नहीं लगाते हैं तो ये जल जाएगा, और अगर ये जल गया तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी हमें। अगर ये जल जाता है और साइलेंट बटन वगैरह काम नहीं करता तो वो किस तरीके से काम करेगा, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। छोटा सा वीडियो है लेकिन कई बार यूज़फुल हो जाती हैं ऐसी ऐसी चीज़ें जब हमें पता नहीं होता, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम रिपेयर करते थे तो मोबाइल का जैक चेंज करने के लिए भी या मोबाइल को सिर्फ ओपन करने के लिए भी
किस तरीके से ओपन करते हैं उसका वीडियो भी हम यूट्यूब पे देखते थे। तो यूट्यूब से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है दोस्तों, और मिला भी है। अभी ये हो गया हमारा कवर सिल्वर टेप से। अब जब हम सीपीयू को हीट करके निकालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों साइड की गलियों को कट करेंगे। उसके लिए क्विक 2008 वाली एसएमडी से हम साइड की ग्लू कट करेंगे 200 का टेम्परेचर, और इसमें रखेंगे हम 100 की एयर, 100 की एयर पे मैं काम करता हूँ। तो वो अपने अपने रूम टेम्परेचर की बात है, बहुत सारे लोग 200, 250, 250 पे भी उतारते हैं, बट मेरी एक आदत है दोस्तों, मैं टेम्परेचर है उसको कम से कम रखता हूँ। चाहे 10 सेकंड ज़्यादा लग जाएँ, 5 सेकंड ज़्यादा लग जाएँ, उसमें क्या है, हमारी आईसी डेड होने का जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं हीट को कम रखता हूँ, जितना कम से कम पे काम हो उतनी हीट रखता हूँ, और एयर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसमें है हमारा काम है वो ठीक ठाक होता है, अभी अच्छा हो रहा है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये कोई रूल नहीं है कि आप भी इसी टेम्परेचर पे काम करो। एक दो भाइयों के मेरे पास मैसेज आए कि सर मैं तो 250 की हीट पे काम करता हूँ, मेरा तो अच्छा काम हो रहा है। तो भाई मैं ये नहीं बोल रहा, कुछ लोग 400 की हीट पे भी सीपीयू लगाते हैं, निकालते हैं क्विक 2008 में, तो उनको थोड़ा जल्दी रहती है, उनके पास या तो काम का लोड रहता है या फिर वो इतना वेट नहीं कर सकते 3 सेकेंड कि हमारी पीपीडी पिघलेगी, हमारी आईसी उठेगी नहीं उठेगी। तो हर तरह की चीज़ें हैं, हर आदमी का अपना अपना सिस्टम है, और हर शॉप का, हर काम करने वाली जगह का अपना अलग टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर अगर 60 होगा, सॉरी 50 के आसपास होगा, तो आपकी हीट है वो अगर आप 20 टेम्परेचर कम कर लेंगे, 50 टेम्परेचर कम भी कर लेंगे, 320 भी कर लेंगे। अब 4-5 दिन पहले यहाँ पे हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उस टाइम मैंने गलती से 200 ही टेम्परेचर था, और मैं एक मोबाइल का चार्जिंग कनेक्टर है वो चेंज कर रहा था, तो 200 की हीट पे भी मैंने उस चार्जिंग कनेक्टर को आसानी से चेंज कर दिया। तो दोस्तों हमारी ग्लू है वो कट हो गई है। अब हम टेम्परेचर कर रहे हैं इसका 345, और एयर है वो 70 है, और हमारी जो रैम है वो हमने निकाल दी। और आप देखोगे तो रैम का एक पॉइंट भी यहाँ पे टच नहीं है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, ये देखिए रैम का जो एक पॉइंट है वो टच नहीं है। तो उसके बिना भी फ़ोन हमारा चल रहा था, तो इसका मतलब है कि या तो ये एनसी होगा या ग्राउंड की कोई पिन होगी। तो एनसी का तो कोई रोल नहीं होता, और ग्राउंड की जो अगर पिन है तो ग्राउंड काफ़ी जगह से मिलता है, सीपीयू की साइड से काफ़ी जगह से ग्राउंड मिलता है, तो एक आधा ग्राउंड अगर मिस भी हो जाता है तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो हार्ड ब्लैक पेस्टेड है इसको उठाने के लिए ये हार्ड वाला स्क्रैपर है, इसको मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि इसको उठाने के लिए अगर हम बिना हार्ड वाला स्क्रैपर अगर यूज़ करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। कोनों पे जगह बनाएंगे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ऑलरेडी रैम रिबोल है तो पीपीडी ऑलरेडी चेंज है, तो सीपीयू जल्दी हमारा हीट हो जाएगा और जल्दी उठ जाएगा। हर साइड से थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे के हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं इसको, बड़े ही सावधानी से ये काम करना है, और बिल्कुल भी
जल्दबाजी नहीं करनी और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये सीपीयू हमारा हमने निकाल लिया है। अभी ये जो ब्लैक पेस्ट है इसको करेंगे क्लीन, और इसको क्लीन करने के लिए हम सबसे पहले डालेंगे इस पे पेस्ट। ये वन प्लस की जो पेस्ट है या इसे निकालने का तरीका है, तरीका तो वही है लेकिन थोड़ा सा अलग मेरे को लगता है। MI में और जैसे पोको वगैरह में, MI में इन में जो ग्लू आई हुई है, जो पेस्ट डाली है कंपनी ने, वो नॉर्मल है, ये थोड़ी सी हार्ड है। ये थोड़ी थोड़ी जो वीवो के मोबाइल में पुराने मॉडल में जो मिलती थी, Y55, Y53 इन सेटों में जो मिलती थी, उस टाइप से ये ब्लैक पेस्ट है। आजकल तो वीवो ने येलो पेस्ट जो दी है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। येलो पेस्ट में जो उस जो हमारा जब हम उसको निकालते हैं तो जो नीचे की जो यूवी ग्लू जो होती है बोर्ड के ऊपर, वो भी साथ की साथ ही बाहर आ जाती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है उससे। येलो पेस्ट का अगर कोई सीपीयू आएगा तो उसका तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वो जो उसकी खाल बोलते हैं उसको ये अपने यूवी, जैसे ये ब्लैक ब्लैक जो लेयर है ये यूवी से ही बनी होती है दोस्तों, जो हम माइक्रो जंपरिंग करके उसके बाद जो यूवी इंक यूज़ करते हैं ये भी उसी टाइप से होती है। तो इसको मैं आयरन से ही क्लीन कर रहा हूँ क्योंकि आयरन की बिट है ये नाइफ़ वाली है और ये बिट नई भी है, तो एक तरीके से ये जो काम कर रही है ये ब्लेड का ही काम कर रही है दोस्तों। तो कोई कंपोनेंट इधर उधर ना हो जाए इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। लगभग पेस्ट हमारी क्लीन हो चुकी है, अब हम एक बार फिनिशिंग के लिए इसके ऊपर लगाते हैं जो हमारी डिसोल्डर वायर है उसको घुमाएंगे। दोस्तों इसका परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो सीपीयू रिबॉल है, लेकिन मैंने बहुत बार पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें जो टेक्नीशियन है वो क्या करते हैं, उनको सीपीयू रिबॉल करना पता नहीं इतना मुश्किल क्यों लगता है, वो सीपीयू रिबॉल करके नहीं देते हैं, 20 मिनट ही तो ज़्यादा लगने हैं। तो दोस्तों काम जो हम करें वो ऐसा करें कि कस्टमर हमारा वापस रिटर्न ना आए, दोबारा उसको दिक्कत ना आए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर एक बार दिक्कत आती है, हाँ दिक्कत तो किसी को भी आ सकती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन काम इस तरीके से करना चाहिए कि अगर दिक्कत आती भी है तो वो 1% ही लोगों को आए। लेकिन अगर इस तरीके से आप काम करेंगे कि रैम रिबॉल करके दे दिया, हीट करके बोर्ड को दे दिया, तो उससे वो फिर कस्टमर 10-15 दिन बाद फिर आएगा, तो उससे आप एक बार तो पैसा ले लिया आपने, लेकिन वो दोबारा शायद आपके पास दोबारा रिपेयर करवाने के लिए नहीं आएगा। तो काम आप इस तरीके से करिए कि कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे, वो सीपीयू रिबॉल करना कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, हाँ प्रैक्टिस थोड़ी सी चाहिए, प्रैक्टिस इसमें आपको थोड़ी लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करोगे तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं पिछले 3 साल से मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में हूँ, और जब लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में हर चीज़ की छुट्टी रहती थी, सब चीज़ें बंद रहती थी, तो उन दिनों में मैंने हैंड स्किल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी। अभी भी मैं ये नहीं मानता कि बहुत ही ज़्यादा हैंड स्किल अच्छी है मेरी, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों से अच्छी है अभी, और मैं उसको
मैं किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको और ज़्यादा बेटर बना रहा हूँ। अपनी ही जो कमियाँ हैं उनको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको भी कुछ कमियाँ लगें मेरे काम में, लेकिन अगर आप उनको कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो ज़रूर मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा। हर इंसान में कमियाँ होती हैं दोस्तों, सीखते सीखते सिखाना ये भी सबके बस की बात नहीं होती। हम सीख भी रहे हैं, और बात सिखाने की नहीं है, जो काम कर रहे हैं। अब हमारा ये मोबाइल बन जाएगा तो अच्छी बात है, मोबाइल भी बन जाएगा और बहुत सारे लोगों को इससे ये भी पता चल जाएगा कि इस तरीके की दिक्कत आती है तो हम किस तरीके से काम करें, तो हमारे दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। अभी मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ, आने वाले टाइम में जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो बेसिक जानकारी के ऊपर भी वीडियो डालूँगा मैं। अभी मैं मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियोस डाल रहा हूँ, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन जो मोबाइल कैसे रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद मैं प्रिंसिपल भी डालूँगा, हर सेक्शन के प्रिंसिपल, किस तरीके से कौन सा सेक्शन काम करता है, किस तरीके से आईसी वर्क करती है, वो सब चीज़ें मैं डालने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ उस चीज़ को भी आप समझिए, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है। ऐसी प्रॉब्लम में फ़ोन आपके पास आते हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम में जो फ़ोन आते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप हैंड स्किल आपकी बेटर हो जाएगा तभी बाकी चीज़ें सीखने का फ़ायदा रहता है। अगर आपके पास हैंड स्किल नहीं है, अगर आप ये सोचो सीपीयू रिबॉल करना पड़ गया और आपको वो करना आता ही नहीं, तो फिर मतलब वो काम नहीं आएगी वो बाकी नॉलेज। तो हमारा बोर्ड बिल्कुल क्लीन हो चुका है दोस्तों, ये देखिए, और कुछ प्रिंट जो निकले हैं ये एनसी वाले प्रिंट हैं, ये एनसी हैं, मैंने इनको जूम करके देख लिया है, ये सारे एनसी वाले प्रिंट हैं, एक भी प्रिंट हमारा डैमेज नहीं हुआ है। अभी हम सीपीयू को क्लीन करते हैं। सीपीयू को क्लीन करने के लिए हमारे पास आईसी के लिए स्टैंड है, और ये इस साइड से तो रैम वाली साइड से तो ऑलरेडी क्लीन ही है, तो हम इस साइड से इसको रिबोल कर लेते हैं। सबसे पहले क्लीन करेंगे, क्लीन करने के लिए ये चीज़ भूलनी नहीं है, पेस्ट डालना ज़रूरी है। पेस्ट डाल के और अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहे तो सोल्डर वायर नया ले लेंगे और या फिर इसमें पीपीडी भी हम डाल सकते हैं, तो वो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा। और ब्लैक पेस्ट है तो मैं इसके लिए SMD की जो हीट है 200 रुपये करके, और उस हीट से भी मैं हीट भी कर रहा हूँ, तो इससे क्या है वो ग्ल्यू जो है वो आपकी नॉर्मल हो जाती है, नुकसान होने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। 200 के टेम्परेचर पे हीट भी कर रहा हूँ, और आयरन की जो नाइफ़ वाली बिट है ये T12X वाला आयरन मैं यूज़ करता हूँ, इसकी जो बिट है वो नाइफ़ वाली बिट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये लगभग सारे कामों में यूज हो जाती है। और इसके मैं ये कैप भी हटा देता हूँ, ये कैप जो हैं ये जैसे कैपेसिटर का जो वर्क है वो आप लोगों को पता ही है, हर सेक्शन में वैसे थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, लेकिन लगभग हम जानते हैं कि ये प्रोटेक्शन के लिए ही काम में लिए जाते हैं जो कैप हैं। अब कोई भाई ये मत बोलना कि लाइट सेक्शन में जो कैप होता है वो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ नहीं होता, तो हर सर्किट में हर कंपोनेंट का जो काम है वो अलग हो जाता है। तो
तो यहाँ पे सीपीयू में ये पता नहीं किस काम आते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते होंगे शायद, इसीलिए जब इनको हम निकाल भी देते हैं तो उसके बावजूद भी मोबाइल है वो ऑन हो जाता है। तो मेरे ख्याल में तो ये प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ होते होंगे। बड़े ही ध्यान से हमें ये क्लीनिंग करनी रहती है, बड़े ही ध्यान से। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ये जो हमारी ग्लू है ये ब्लैक पेस्ट है, तो हमने आयरन से भी इसको क्लीन कर लिया है और ये हमारा स्टैंड से निकल गया है। तो दोस्तों इस स्टैंड को अगर आप भी यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि आईसी जो है वो जो सिलिकॉन की परत से जो बनी रहती है, तो इसको जब हम गर्म करते हैं, जैसे ही भी अभी ये हीट हो रही है, तो अगर हम ज़्यादा टाइट अगर इस स्टैंड में अगर इसको लगा देंगे तो हीट होके ये सिकुड़ जाएगी और उससे भी आईसी हमारी वो ख़राब हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा टाइट अगर आप इस प्रकार का कोई भी स्टैंड यूज़ कर रहे हैं तो आईसी को ज़्यादा टाइट आपने नहीं पकड़ना है। तो मैं यही आप लोगों को बता रहा था कि स्टार्टिंग में मैं ज़्यादातर वीडियोज़ इस प्रकार की इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग हर प्रकार के मॉडल की, हर प्रकार के सीपीयू की, हर प्रकार की ग्लू को क्लीन करके उनको चेंज करना, आईसी रिबोल करना, ये सब चीज़ें आप आसानी से सीख जाओ। तो उसके बाद हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो जिसकी वजह से हमें सर्किट समझ में आएगा, प्रॉब्लम फाइंड आउट होगा, मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। मोटा मोटी तो मैं अभी भी आप लोगों को बता ही देता हूँ जैसा मेरे को समझ आता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो सीपीयू है वो क्लीन हो चुका है एकदम। अब हम इसको रिबोल करेंगे। किसका फोन है? तेरला तो नहीं बाज जाए अंशु? साइलेंट कौन तेरा? किसी कस्टमर का रखा होगा सिम सुम के साथ। कुछ नहीं, ऊपर ही दिखाओ। सीपीयू रिवॉल करेंगे, स्किप करने की ज़रूरत है कोनी, साउंड ऑफ की भी ज़रूरत कोनी। स्पीड अपन की चोरी करनी है कि नहीं? दोस्तों अब करेंगे सीपीयू रिवॉल। ये है एसडीएम 845। सीपीयू रिबॉल करने का भी तरीका है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पीपीडी मायने रखती है, पीपीडी का बहुत इसमें वो रहता है। पीपीडी अगर आपके पास अच्छी नहीं है तो आप काम भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब पीपीडी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा सोचो आप। अगर आपके पास पीपीडी ही अच्छी नहीं है तो रिबॉल भी नहीं होगी आईसी इतनी अच्छे तरीके से।
कोई ना, रखा रहने दो, इसने बजता रहने दो। तो नीचे टिश्यू पेपर लगा लिया है हमने। टिश्यू पेपर की मुझे आदत है, मैं टिश्यू पेपर ज़रूर यूज़ करता हूँ। अगर आप भी यूज़ करोगे तो मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद है। दोस्तों मैं अभी B&R और मिडास दो PPD यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं जो ये ICRI बोल कर रहा हूँ इसमें मैं मिडास की PPD है उसको यूज़ कर रहा हूँ। B&R का जो ये दाना है जो PPD का हमारा, वो थोड़ा मोटा रहता है। PPD वो भी बहुत अच्छी है, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। कोई भी PPD से, दोनों में से कोई भी PPD से सेट वापस नहीं आए हैं। कुछ लोग मैकेनिक यूज़ करते हैं, वो भी अच्छा होता होगा। मैंने यूज़ किया स्टार्टिंग में एक दो बार, बट रिबॉलिंग अच्छे से हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे लिए वो नहीं बनी होगी। तो मेरा काम मिडास से अच्छा हो रहा है, B&R से हो रहा है, तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। PPD 183 ही यूज़ करनी है। टेम्परेचर अभी 300 और एयर 70 और SMD को घुमाते रहना है, नोजल को। तो पूरी PPD गर्म होती है तो क्या होता है, अब धीरे धीरे जब बॉल बन रही हैं तो ये देखिए, अब इसमें बहुत सारी बॉल ऐसी थी जो हाईलाइट नहीं थी, वो चिपक नहीं रही होंगी। ये देखिए आपको दिख रही होंगी, ये देखो कुछ बॉल हैं ये चिपक नहीं रही हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक बार इसी सिचुएशन में इसके ऊपर पेस्ट डाल देंगे, फ्लक्स पेस्ट डालेंगे। और अब दोबारा से हीट करेंगे, और अब की बार एयर में थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। 300 का ही है टेम्परेचर, एयर वो है वो हैंडल कर ली है, तो एयर भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो प्रेशर से क्या होगा, कुछ बॉल चिपक जाएंगी। एक आधी बॉल उड़ के इधर उधर भी जा सकती है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा हमें। ये देखिए, कुछ बॉल हैं वो अभी भी उछल रही हैं, वो बैठी नहीं है अच्छे से। तो अगर कोई एक आधी बॉल बच गई है तो उसके लिए सेकंड राउंड देखेंगे। कोई एक आधी ही बॉल बची होगी, ज़्यादातर बॉल हैं वो फिक्स हो चुकी हैं। जैसे एक ये बॉल है, ये भी बैठ गई है। अब स्टेंसिल को निकालेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद। अब इसी तरीके से अगर मैं B&R से रिबॉल करूं तो उससे नहीं हो पाता मेरे से एक बार में। तो PPD बहुत मैटर करती है। अब बंदा तो मैं वही हूं, कई लोग बोलते हैं कि PPD से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस हो जाता है ये वो, होता तो है,
सारी चीज़ें मायने रखती हैं, एक्सपीरियंस भी और पीपीडी भी, सारी चीज़ें मायने रखती हैं दोस्तों। टूल भी मायने रखते हैं, लेकिन अकेले टूल भी काम नहीं करते। हर चीज़ का रोल है इस मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में। अब ये देखिए, बहुत सारी जो बॉल हैं वो ऐसा लग रहा है बनी ही नहीं है। तो शायद हमें दोबारा रिबोल करना पड़ेगा सीपीयू को, क्योंकि ये पीपीडी जो है ये आपस में थोड़ी सी मिल गई है और कुछ बॉल हैं वो बनी भी नहीं है। तो एक बार हम इसको दोबारा क्लीन कर लेते हैं। अभी बॉल सारी लगभग हाईलाइट हो जाएंगी, तो अब दोबारा रिबॉल करना थोड़ा आसान रहेगा। ये चीज़ें होंगी, आप करोगे तो आपके साथ भी होंगी और पांच पांच बार भी होंगी, लेकिन हीट और टेम्परेचर अगर सही तरीके से रखोगे तो पांच पांच बार करने के बाद भी आपकी आईसी है वो डैमेज नहीं होगी। कितनी देर की होगी वीडियो? 32 मिनट। ये पीपीडी भी मैं थोड़ा सा आलस किया हुआ है। ये पीपीडी दिन भर से निकाली हुई पीपीडी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर ताज़ी पीपीडी डब्बी से निकाली हो तो बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये मैंने दिन भर से निकाली हुई पीपीडी थी जो सारा दिन काम कर रहा था, वही पीपीडी से मैं अब इस सीपीयू को भी रिबॉल कर रहा हूँ। तो इस वजह से भी मतलब हर चीज़ मैटर करती है दोस्तों। पीपीडी सूख जाती है इतना, मतलब हर चीज़ का मैटर होता है, हर चीज़ मैटर करती है। हम ऐसा करेंगे, पीपीडी ताज़ी ही ले लेते हैं, क्योंकि अब की बार भी मेरे को मज़ा नहीं आया। बहुत सारी बॉल ऐसी हैं जो नहीं टिक रही हैं। ऐसी सिचुएशन में हम एक चीज़ और कर सकते हैं, और अभी टाइम नहीं है तो हम वही कर लेते हैं एक बार। तो हम एक बार वही करेंगे, आईसी को साफ कर लेते हैं। अब हम सीपीयू को क्लीन नहीं करेंगे, इन्हीं बॉल्स को कट करेंगे, और कट करके और ताज़ी पीपीडी भरेंगे, जिससे जो हमारी बाकी की जो बॉल हैं वो बन जाएंगी।
ये जो हमारा नॉर्मल जो ब्लेड रहता है ओसी वगैरह कट करते हैं, आजकल तो भी दो सी ग्लास आ गए हैं, तो ये वही ब्लेड मैं यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों पीपीडी जो है सो गया, तो सोना चाहिए भाई, बस 2 मिनट 10 मिनट ना, मैंने तो घनी देर क्या आप मुझे रख नो ना करे यार। अरे ना वीडियो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, हर बार नू नाड़ नीचे होती ऊपर मुंडी करके देख लो वीडियो बने है कि नहीं। ये ताजी पीपीडी हमने भर ली है, जो छोटी बड़ी बॉल हैं वो सारी अब लेवल में आ जाएंगी। ये भी एक तरीका है, पहले मैं इसी तरीके को यूज़ करता था स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को शॉर्टी नहीं होती थी कि बॉल बराबर बनी है या नहीं बनी सीपीयू की, तो उसके लिए मैं क्या करता था, मैं बॉल को कट कर लेता था और उसके बाद पीपीडी भरता था, जैसे आज मैंने किया है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ही बार में रिबॉल करने की जो प्रैक्टिस है वो मेरी चल रही है आजकल। ये देखो पीपीडी चेंज होते ही, अब मैंने कुछ नहीं किया, कोई जादू नहीं किया, लेकिन पीपीडी नहीं डालते ही सारी बॉल एकदम से चिपक गई हैं जाके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं। अब मैं अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं देता तो मैं परेशान होता कि यार क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, ऐसी रिबॉल नहीं हो रही, रोज़ तो मैं एक बार में करता हूँ, आज 3 बार में भी नहीं हो रही, क्या हो गया ये वो। तो कुछ ना कुछ कमी रहती है छोटी मोटी, और कुछ भी नहीं है। पीपीडी चेंज करते ही हम हर बॉल परफेक्ट जाके फिट होगी, क्योंकि वो पीपीडी है वो चिपचिपी हो गई थी पूरे दिन से वो, क्योंकि एक टेम्परेचर खुली हवा के साथ अगर ये हमारी मिलती है तो ये थोड़ा सा सूख जाती है, और जिसकी वजह से फिर वो अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं होती। जैसे पेस्ट के बिना अगर शोल्डर पेस्ट नहीं डालेंगे तो शोल्डर हमारा चिपकेगा नहीं चिपकेगा, सेम कंडीशन। तो जैसे ही नई पीपीडी डाली सारी बॉल्स हमारी बन गई, और फिर भी कटिंग करके हमने कुछ बॉल छोटी थी जो दोबारा बनी थी वो बॉल हमारी ओके बन गई। अब पीपीडी भर दी, पीपीडी वहाँ वहाँ चली गई जहाँ पे बॉल छोटी थी, सीपीयू हो गया एकदम परफेक्ट रिबॉल। अब हमें बॉल कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसके ऊपर पेस्ट डाल के थोड़ा 300 की टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो पेस्ट सारा फैल जाएगा और जो बॉल हैं वो हमारी चमक जाएंगे। यहाँ पे कुछ लगा हुआ है जो कटिंग वाला जो एक्स्ट्रा मटेरियल था वो यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है, ये हटाना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो बॉल हैं ये बड़ी हो जाएंगी एक्स्ट्रा सोल्डर लगने की वजह से। तो हमारा सीपीयू हो गया है एकदम ओके रिबॉल। अब हम इसको बोर्ड के ऊपर फिक्स करेंगे और फिर देखेंगे बूटिंग हमारी क्या रहता है क्या नहीं। बोर्ड हमारा ऑलरेडी क्लीन है, बस कुछ कचरा वचरा ना आ गया हो तो हमें चेक करना ज़रूरी है। बोर्ड हमारा क्लीन है, साइड को ध्यान में रखते हुए, साइड हमारे सीपीयू की है ये। ये रैम की साइड वाला पार्ट है, सीपीयू हमारा सेट करने के बाद इसको क्लीन करेंगे, इसको बीच में क्लीन करना हम भूल गए।
तो पहले हम हमारे सीपीयू को है वो फिक्स कर लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैं 300 के हीट पे ही सीपीयू को लगा रहा हूँ। तीन सौ के टेम्परेचर पे मुझे लगता है कि सीपीयू हमारा बैठ जाएगा। नहीं बैठा तो टेम्परेचर है वो 345 पे सेट है मेरा तीसरा चैनल, और मैं वो दबा ही देता हूँ। ये देखो 345 होते ही हमारा जो सीपीयू है वो अपनी जगह पे जाना स्टार्ट हो गया है। एयर है वो हमारी 70 है, और चारों तरफ से जो पेस्ट है वो बाहर आ गई है। इसका मतलब हमारा सीपीयू की सारी बॉल हैं वो पिघल गई हैं। तो इसको हम अगर फाइनल टच देंगे, ये देखिए सीपीयू हमारा लग गया है। अब हम एक बार इसको क्लीन करेंगे रैम वाले पार्ट को। तो एक बार तो आयरन से ही कर लेते हैं, आयरन से करके एक बार बूटिंग चेक करेंगे। अभी हम चेक करते हैं सीपीयू के बाद की बूटिंग है वो क्या रहने वाली। तो पहले हम अपने बोर्ड को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। फैन कहाँ गया अपना, दिख रहा है फैन कहीं? पीछे तो नहीं रखा? छोटा फैन तो कौन देखे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, लेकिन होगी रियल, क्योंकि रियल होने का एक रीज़न तो ये है कि ज़्यादा एडिटिंग करनी नहीं आती, और दूसरा ये है कि आती भी है तो थोड़ी बहुत तो फिर हम टाइम नहीं मिलता इतना एडिट करने को। तो एक बार बूटिंग देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। ये दोस्तों 135 पे स्टक हो गया है। तो अभी हम आप इस कंडीशन में इसका पोर्ट भी चेक करोगे तो ये पोर्ट बना लेगा आसानी से। तो सीपीयू पोर्ट बनाता है हमेशा, सीपीयू ये बता देता है कि मैं बोर्ड में मौजूद हूँ और मेरे तक की सारी सप्लाई लाइन वोल्टेज ओके हैं, तो फिर वो पोर्ट बनाएगा। और हम इस रैम को है वो दोबारा रिबॉल करेंगे। रैम को दोबारा रिबॉल करेंगे लेकिन
हम इसको क्लीन नहीं करेंगे, हम इसके ऊपर ही नई पीपीडी भर लेंगे। ताकि बोल हैं वो हमारी बराबर बन जाएं। तो बोल तो छोटी ही हैं, देखो कट नहीं रही हैं, तो सारी बोल छोटी हैं। क्लीन करने वाले प्रोसेस से थोड़ा सा 15 सेकंड बचा लिए हमने। रिबॉलिंग का टेम्परेचर सेम है 300 और एयर 70, लेकिन एक बार इसको रिबॉल करने के बाद एक बार कटिंग ज़रूर करके देखेंगे कहीं बॉल छोटी बड़ी तो नहीं रहती। मेरे ख्याल में तो नहीं होंगी छोटी बड़ी, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए एक बार कटिंग तो कर लेते हैं। तो ये बराबर ही कट हुई हैं सारी, तो फिर हम अब और पीपीडी नहीं भरेंगे। इसी में पेस्ट डाल लिया है, और अब ये सारी बोल हैं वो एक बार राउंड शेप हो जाएगी इनकी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये हमारा सेट ओके हो ही जाएगा अभी ऑन। तो सीपीयू रिबॉल करने से ना घबराएं, सीपीयू रिबॉल का इतना सा ही प्रोसेस है। ताज़ा पीपीडी यूज़ करें, अच्छी पीपीडी यूज़ करें, तो आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है, ये शायद इसी साइड था, और इस बटन को भी ढकना ज़रूरी है, नहीं तो ये जल जाता है। किसी भाई ने जलाया हो तो कमेंट में लिखना ज़रूर, हमें हमारी आत्मा को थोड़ी तसल्ली मिलेगी कि भाई हमने भी जलाया है। सभी जलाते होंगे एक एक बार, तो जलाया तो मैंने भी है, लेकिन बिल्कुल जड़ से नहीं जलाया। थोड़ा जब वो मोटा होने लग गया था तभी मेरी नज़र उसके ऊपर चली गई थी। मैं क्या इसको बख्श देते हैं अभी, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम पता नहीं ये ठीक होगी या नहीं होगी, मतलब शायद सेट तो ऑन हो ही जाएगा, लेकिन रिस्टार्ट और हैंग वाली प्रॉब्लम, अगर रैम हमारी ख़राब हो गई होगी तो ये फिर रैम चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन वो हम करेंगे अगर ये प्रॉब्लम करेगा तो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सीपीयू भी रिबॉल कर रखा होता तो हमें डाउट था 1% की रैम चेंज करते हम, लेकिन सीपीयू रिबॉल नहीं था, इसी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। तो दोस्तों काम करो, प्रॉपर तरीके से करो। पंखा कित गया यार, यो रख्या, मैं लेता हूँ, रुको। लिया नीचे ही उसने, एलईडी का कोई काम को नहीं। बोर्ड को कर लेते हैं थोड़ा ठंडा, थोड़ी एडिटिंग कर देंगे दोस्तों इसमें, जहाँ जहाँ पे बीच बीच में 15-20 सेकंड का जो टाइम लगा है कोई सामान ढूंढने में निकालने में, उसको एडिट कर देंगे। अगर आप नहीं कहोगे तो नहीं भी करेंगे, ज्यों की त्यों डाल देंगे जैसी भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर इन फ्यूचर अच्छी वीडियोज़ चाहते हो देखना सबसे पहले, तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। हमें ये लगेगा कि
हमारे भाई हैं वो हमारी मेहनत से उनको अच्छा लग रहा है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे मैं इसकी हीट सिंक भी लगा देता हूँ और ऑपरेशन वाली ये टेपिंग भी दोबारा कर देता हूँ। अब देखते हैं कि ये क्या कहता है। केला गन शु बन जाएगी के बात बन जाए तो बढ़िया है भाई। 50 मिनट की वीडियो आपने कही थी 1 घंटा टाइम तो यार लग जाए इसमें, थोड़ा बताना भी तो सही रहे है ना। कई भाई हैं अपने वो के है कि मतलब ये चीज़ कर कौन पाऊँ, और ये अपना सेट तो ऑन हो गया है, वन प्लस तो आ गया, अब तीन बिंदी यहाँ पे आएंगी तो इसका मतलब आगे भी चला जाएगा, और ये आ गई हैं। ये देखो ये दो आँखें हैं और ये मुंह है वन प्लस का, लेकिन दिक्कत बहुत आ रही है वन प्लस के मोबाइल में। तो सेट हो गया है ऑन, बेस बैंड देख लेते हैं। बेस बैंड बीच बीच में गायब हो जाता था IMEI और बेस बैंड, तो वो इसमें अभी तो प्रॉपर आ गए हैं और अब मेरे ख्याल में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आ ही उसी वजह से रही थी, और ये तो 8128 में है इसीलिए कस्टमर ने इसको ठीक कराया है। बेस बैंड वर्जन भी ओके है, तो आई थिंक अभी तो वैसे भी सेट हीट हुआ है तो एक दो दिन में हमें पता चल जाएगा रिजल्ट का। लेकिन अगर डंप क्रस आता है, रीस्टार्ट प्रॉब्लम आता है, डेड आता है और डेड में रीडिंग स्टक होती है, या फिर 200-250-150 तक जाके अगर जीरो आ रही है, तो ये सब CPU के ड्राई सोल्ड होने की वजह से ही हैं। और इसमें CPU का इशू है, जैसे हम सैमसंग में क्या कहते हैं कि अगर लोगो रीस्टार्ट या लोगो पे अटका हुआ है तो हम बोलते हैं कि रैम और CPU का जो कनेक्शन है वो हट जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। रैम और CPU के कनेक्शन से मैटर नहीं है, क्योंकि अगर वो कनेक्शन से मैटर होता तो क्या होता कि अगर CPU और रैम के कनेक्शन से अगर हमारा मैटर होता तो रैम तो ऑलरेडी रिबॉल कर दी इसकी, तो उसमें क्या होता कि CPU के साथ कनेक्शन रैम का तो ओके हो ही गया था, फिर भी दिक्कत क्यों आई। जैसा सिंगल CPU डेड होते हैं उसी तरीके से ये सिंगल CPU की वजह से दिक्कत आ रही है, ना कि रैम की वजह से। तो अकेली रैम रिबॉल करके कुछ नहीं होना है, 10-15 दिन में कस्टमर वापस आना है। CPU को रिबॉल करें और अच्छा काम करें, और अच्छी वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।